1 करोड़ रुपए के इनामी मिस्र बेसरा के दस्ते के साथ आज भोर में पुलिस की मुठभेड़ हुई। माओवादियों के दस्ते का लीडर 25 लाख का इनामी अजय महतो था। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग में कई माओवादियों को गोलियां लगने की बात सामने आई है। सर्च अभियान के दौरान जंगल में कई जगहों पर खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे थे। वहीं पुलिस ने माओवादियों के गढ़ में घुसकर उनके कई कैंप को आज तहस नहस कर दिया। यह मुठभेड़ आज सुबह 6 बजे के करीब हुई। चाईबासा पुलिस आज CRPF के सुरक्षा बलों के साथ जंगली इलाकों की खाक छान रही थी। रेंगड़ा हाथू जंगल में अचानक पुलिस पर गोलियां बरसनी शुरू हो गई। पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को भारी पड़ता देख मारक दस्ता का हार्डकोर माओवादी अजय महतो अपने साथियों के साथ घने जंगल में जा घुसा। बाद में सर्च अभियान चला, जंगल में बने माओवादियों के कई ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। कैंप से टेंट, वर्दी, बर्तन और रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान मिले। सुने क्या बोले IG अभियान अमोल वेणुकांत होमकर और चाईबासा पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर। झारखंड पुलिस और CRPF की संयुक्त बलों को और एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कोल्हान का जो क्षेत्र है, जो माओवादियों का गढ़ है, जहाँ पे 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे उस रहने की बात सामने में आ रही थी, उस क्षेत्र में मिसिर बेसरा के मारक दस्ते के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य सैक मेंबर अजय महतो, जो कि 25 लाख का इनामी नक्सली है, उसके अपनी टीम के साथ जमा होने की और किसी हिंसक घटना को अंजाम देने की तैयारी करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी सूचना के आलोक में चाईबासा पुलिस के द्वारा CRPF के साथ में मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें कोबरा 209 बटालियन और चाईबासा पुलिस की टीम शामिल थी। आज प्रातः करीब 6:30 बजे के करीब जैसे ही पुलिस की टीम रेंगरा हाथू जो वन ग्राम है वहाँ पे सर्च अभियान चला रही थी, उसी में माओवादियों के द्वारा पुलिस को लक्षित करके अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस फायरिंग में पुलिस बलों के द्वारा ताबड़तोड़ इसका मुँह तोड़ जवाब दिया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी वहां से भाग निकले। जब पूरे एरिया का सर्च अभियान चलाया गया तो उस क्षेत्र में माओवादियों का एक बड़ा कैंप मिला, जिसे पुलिस बलों के द्वारा ध्वस्त किया गया, जिसमें माओवादियों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कई सारे सामान बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में कुछ उग्रवादियों को गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही है। इस के लिए जो है संयुक्त बलों के द्वारा इस क्षेत्र में छापामारी अभियान अभी चल रहा है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भाकपा माओवादी का एक दस्ता, जिसके नेतृत्व स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य 25 लाख का इनामी अजय महतो कर रहा है, और लगभग 20 से 25 लोगों की संख्या में यह दस्ता ग्राम रेंगड़ा हाथू थाना टोंटो के आसपास भ्रमणशील है। उक्त सूचना के आलोक में हम लोगों ने एक विशेष संयुक्त अभियान दल का गठन किया, जिसमें चाईबासा जिला पुलिस, कोबरा 209 बटालियन की टीम एवं CRPF 174 बटालियन की टीम शामिल हुई। प्रातः लगभग 6:30 बजे ग्राम रेंगड़ा हाथू के पास नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को लक्षित करते हुए फायरिंग की गई, और उसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। पुलिस को भारी पड़ता हुआ देख नक्सली उस क्षेत्र को छोड़कर भागे और बृहद रूप से पूरे क्षेत्र को सर्च करने के दौरान एक उनका जो कैंप था उसको हम लोगों ने ध्वस्त किया है। उस कैंप से लगभग 6 टेंट हम लोगों को बरामद हुए हैं। उसके अलावा उनके बैग, की वर्दी, दैनिक उपयोग एवं खाने पीने के ढेर सारी सामग्री वहां से बरामद की गई है।